आप सब खैर से होंगे, अलहमदुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। तो आज जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चूहों से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर, चूहे जो हैं वो परिंदे या बर्ड्स जिसने रखे हों उसका काफ़ी नुकसान कर देते हैं, क्योंकि ये चूहे जो हैं वो उनके बॉक्सेस वगैरह में, एक तो गुज्जे वगैरह में घुस जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अगर बच्चे दिए हों तो बच्चों को मार देते हैं, खा जाते हैं या अंडे पी जाते हैं, या फिर यहाँ तक कि ये जो अडल्ट पीस होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी काफ़ी ज़ख्मी कर देते हैं और उसके बाद उन बॉक्सेस में अपने बच्चे दे देते हैं। तो ये चूहे जो हैं वो किसी का भी काफ़ी नुकसान कर देते हैं। तो चूहे जो है, इनसे बचने के मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको, तो ताकि आप इन चूहों से बचे रह सकें। तो व्यूअर्स, अगर आपका कॉलोनी या शेड है इस तरह का, जिस तरह मेरा है, तो 90% चांसेस है कि उसमें चूहे घुस जाएं, क्योंकि चूहे अट्रैक्ट होते हैं, जो हम इन्हें दाना डालते हैं, चूहे जो है अनाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जो हम इन्हें दाना या सीड मिक्स डालते हैं वो भी अनाज होता है, तो इसलिए चूहे जो हैं उनको स्मेल आ जाती है, वो अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है, जो बर्ड्स वगैरह के बच्चे होते हैं, तो वो उन्हें खाना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला आ रहा है, तो सबसे पहले जो है आप क्रिकी लगाएं घर में, माउस ट्रैप जिसे कहते हैं वो लगाएं। माउस ट्रैप लगाना कैसे है कि आपने कॉलोनी अगर इस तरह की है तो कॉलोनी के अंदर नहीं लगाना, उससे बाहर लगाना है, क्योंकि जब चूहा कॉलोनी के अंदर 24 घंटे नहीं रहता, वो बाहर आता है खाने की तलाश में निकलता है, तो आप बाहर लगाएं। वहाँ लगानी है जहाँ पर दूसरा कोई परिंदा वगैरह ना आए, क्योंकि परिंदे के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है खिड़की वगैरह। उसके बाद अगर आपका खिड़की से भी काम नहीं चलता, तो आप चूहे मार गोलियाँ जो बाज़ार में मिलती हैं वो डालें, उनसे ये होगा कि चूहे जो हैं वो बाहर निकल कर मर जाएंगे, तो आप उनको बासानी उठा के फेंक सकते हैं। आपने देखना है कि जो आप गोलियां वगैरह डाल रहे हैं वो भी आपने कॉलोनी से बाहर ही रखनी है, जहां पर दूसरे परिंदे वगैरह ना जाएं, क्योंकि वो जहर होता है, वो किसी भी जानदार के लिए जहरी बात नुकसानदेह है। और अगर आपको ये दोनों जो है तरीके कारामद नहीं रहे, जो आखिरी हल होता है चूहे पकड़ने के लिए, वो एक ट्रैप मिलता है, चिपकने वाला ट्रैप, वो यूज़ करते हैं। ये देखिए आप, देखें ये एक बुक सी बनी होती है, ये अंदर से जो होता है इसका सरफेस जो चिपक जाता है, और जो चूहा या रैट होता है वो इसके ऊपर किताब खोल के हम रख देंगे तो वो इसके ऊपर चिपक जाएगा और ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी, तो आप इसे बाहर जाकर आराम से फेंक सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये 100 रुपये का मुझे मिला है, तो ये लास्ट में यूज़ करता है, लास्ट रिजोर्ट के लिए, यानी कि ये है, अगर आपका बाकी पहले दो जो आपको तरीके बताए हैं उनसे आपका काम नहीं चाह रहा, तो लास्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये ग्लू लगी है, साफ पता लग रहा है कि इसके ऊपर ये ग्लू लगी है, ये देखिए, ये देखिए। तो इसे यूज़ करने का तरीका ये है, ये जो आप बटन देख रहे हैं ये इन्होंने इसलिए लगाए होते हैं ताकि ये चिपके ना आपस में। तो आपने इसे सेट कैसे करना है, आपने कॉलोनी के अंदर जहाँ पर बर्ड्स आ सकते हैं वहाँ नहीं रखना, क्योंकि बर्ड्स इसके ऊपर आएंगे और चिपक जाएंगे और मर भी सकते हैं। तो आपने जिस तरह कॉलोनी के बाहर, यहाँ मेरी ये देखिए ये जो जगह है, यहाँ पर मेरा कोई परिंदा वगैरह नहीं आता, तो मैंने उस दिन चूहे को देखा है आते हुए दरवाजे से अंदर आते हुए, तो मैं दरवाजे के बिल्कुल साथ इसको रख दूँगा ताकि जो चूहा है वो आते साथ इसके ऊपर चिपक जाए। आपने इसको सेट कैसे करना है, आपने ये दोनों बटन उतार देने हैं, ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों बटन उतार दिए हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि जो ये है इसको ऐसे एक दफ़ा के लिए बंद करना है, ठीक है, उसके बाद इसे खोल देना है, सॉरी इन्हें भी फोल्ड अप करेंगे, ये ज़रा स्टिकी है व्यूअर्स, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपने इसे डायरेक्ट नहीं लगा देना, क्योंकि इस तरह इसकी जो पकड़ है वो इतनी मज़बूत नहीं होगी, इस तरह इसे एक दफ़ा बंद करना है और फिर खोल देना है हल्का सा बंद करके, एक मिनट व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, एक दफ़ा बंद करके इसे खोल दिया है, तो इसके ऊपर ये देखिए काफ़ी मतलब आ गया। उसके बाद आपने करना ये है कि चूहा वैसे तो इसके अंदर आने वाला नहीं है, तो आपने इसके ऊपर खाने की कोई चीज़ लगानी है, कोई डबल रोटी या कोई भी रोटी का पीस या नान वगैरह का पीस आप लगा सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने डबल रोटी वगैरह लगा दी है, तो अब इसको जहाँ पर इसको सेट करना है वहाँ पर हम इसे रख देते हैं, एक साइड पर रखिएगा जहाँ पर मतलब परिंदे वगैरह या दूसरी चीज़ वगैरह ना जा सकें,
तो आप अभी रखता हूँ मैं, तो इसको यहाँ एक साइड पे रख देते हैं। मिट्टी का ध्यान रखना है, मिट्टी इसके ऊपर ना गुजे, क्योंकि इसकी जो पकड़न है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी मिट्टी की वजह से। यहाँ पर हमने इसे लगा दिया है, इंशाल्लाह अब चूहा आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो ये जो तरीका है ये लास्ट तरीका है कि अगर आप सारे बाकी दो तरीके नाकाम हो चुके हैं तो आप ये यूज़ करके चूहों को पकड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।